आप देख रहे हैं लाइव आज हर खबर आप तक। थाना शिवाला कला पुलिस व स्वाट टीम ने अवैध तरीके व केमिकल द्वारा तैयार की गई अवैध शराब की फैक्ट्री का आज भंडाफोड़ किया है। इस मामले तीन अभियुक्तों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, साथ में एक मारुति व दो बाइक सहित अन्य सामग्री बरामद की है। दरअसल आगामी त्योहारों के मद्देनजर अवैध शराब को लेकर एसपी के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत शिवाला कला पुलिस व स्वाट टीम ने थाना शिवाला कला क्षेत्र के गांव मुराहट के जंगल में बने मकान में केमिकल द्वारा तैयार की गई शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। देशराज अनित व गुड्डू तीनों अभियुक्तों में से देशराज जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 लाख की शराब तथा मारुति व दो बाइक सहित अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। आज न्यूज चैनल के लिए जनपद बिजनौर से रिपोर्टर सलीम अहमद की रिपोर्ट। टीम और शिवाला कला पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें अनेक रेपर कैन एनए जो केमिकल है, लगभग 5 लाख की देसी शराब जो फाइटर के नाम से ठेके पर बिकती है, लेवल ढक्कन बॉटल आदि बरामद किया गया है। कैसे सीलिंग की जाती है इनके पूरे सामग्री के साथ तीन अभियुक्त देशराज अनित और गुड्डू, जिसमें से देशराज बुलंदशहर जनपद का रहने वाला है, दो इसी जनपद के हैं, एक गिरफ्तार हुए हैं। दो अभियुक्त अंकुल और अरविंद ये वांछित हैं, फरार चल रहे हैं। इनके द्वारा जो अपमिश्रित शराब है इनका संतुलन बिगड़ने से ये जानलेवा साबित होता है। इस बात की भी जांच कराई जा रही है क्या इनके द्वारा देसी शराब के जो ठेके की दुकानें हैं क्या वहाँ भी इनके द्वारा सप्लाई की जाती थी या नहीं थी। अगर उनकी मिलीभगत है तो उनके खिलाफ अलग से आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों और डीएम साहब को रिपोर्ट दे करके कार्रवाई कराई जाएगी। इनके पास से एक डस्टर गाड़ी, दो मोटरसाइकिलें एवं अन्य भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके खिलाफ 420, 467, 68, 71, 272, 413, 414 आईपीसी, 61, 63 और 72 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।